क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम आकाश शविता है। आकाश कहाँ से है आकाश आप? मैं फतेहाबाद आगरा से आया हूँ। आगरा से आया। आपने जब मेरे पास मेडिकल कराया था आकाश, तो मैंने आपको कौन सा पॉइंट बताया था? डीएनएस। और अभी आपको कौन सा पॉइंट मिला है? डीएनएस का ही मिला है। खाली डीएनएस का ही मिला है? और कोई पॉइंट बताया था मैंने आपको? नहीं, कोई पॉइंट नहीं बताया, सिर्फ डीएनएस बताया था और डीएनएस ही पॉइंट आपको मिला है। ठीक है। अच्छा, हम जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल करते हैं, क्या एयरफोर्स में भी उसी तरीके से मेडिकल किया जाता है? डिप्टू सर जैसा करते हैं वैसा ही वहाँ पे होता है, कोई भी वो नहीं है पार्शलिटी, जो जैसा यहाँ पे हो रहा है वैसा ही वहीं पे होगा। वैसा ही वहीं पे होता है। ठीक है, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को, एयरफोर्स वाले बच्चों को जिनका एग्जाम आने वाला है? मैं सबसे पहले सब बच्चों को ये कहना चाहूँगा, जिस किसी का भी मेडिकल है या फिर उन्होंने पास कर रखा है फेज फर्स्ट या फेज सेकंड, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि एसएस चार पे आए, जो कि रोहतक के पास में है, और उन पे मेडिकल अपना पूरा कराएं। जो सब कुछ बताते हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को वो बता देते हैं, जैसे कि मेरा डीएनएस का पॉइंट था पहले, तो डीएनएस का पॉइंट सर ने बताया और आज डीएनएस का ही पॉइंट मुझे मिल गया है। अगर सर ने वो उस दिन मुझे बताया था कि आप ऑपरेट करा लेना, लेकिन मैंने ऑपरेट नहीं कराया, इस वजह से मुझे डीएनएस का पॉइंट मिल गया। चलिए कोई बात नहीं आकाश, कभी भी लेट नहीं होते, कोशिश करेंगे इस बार भी आप फिट हो जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी अपना मेडिकल कराना चाहते हैं एसएसआरपी मेडिकल सेंटर पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू।